हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो रतन जिस तरीके से आपको तेजी दिखा रहा था, अब अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों से उसी तरीके की गिरावट जो है आपको यहाँ दिखाई दे रही है। शेयर पिछले कुछ दिनों से लगातार एक तरफा गिरावट दिखा रहा है एंड लगातार गिरावट की वजह से लोगों में अब डेफिनेटली टेंशन जो है पहले तो थी लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि लगातार 3-4 दिन हो चुके हैं इसे गिरावट में देखते देखते और अब लोगों को ये डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब इसमें जो रिटर्न बने हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाए। अब समस्या तो डेफिनेटली है, तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली इसी के रिलेटेड बात भी करेंगे एंड देखेंगे कि आखिरकार क्या स्थिति है, क्या आगे की स्थिति इससे अच्छी होगी, यहाँ से रिटर्न बन सकते हैं या फिर नहीं, या गिरावट यहाँ से और कंटिन्यू होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपके सामने रखा है रतन इंडिया का फ्रंट पेज। 17 रुपये 10 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज क्लोज होता हुआ देखने को मिलेगा। अभी क्लोज हुआ नहीं जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद अब पूरी पूरी ये है कि यहीं क्लोज हो जाएगा। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, लोअर सर्किट आप देख रहे हैं शुरुआत से दिखाई दे रहा है और पूरा दिन इसमें जो है लोअर सर्किट ही नजर आया 5% का। ठीक है, लगभग अगर हम प्राइस में बात करें तो 90 पैसे का लोअर सर्किट इसमें लगा है। ठीक है, अब बात यह आती है बीते 5 दिनों में रिटर्न है लगभग 10% के नेगेटिव। एक अगर हम महीना देखें तो एक महीने में लगभग 52% के रिटर्न आए हैं, 6 महीने में रिटर्न 77% के, एक साल में लगभग 300% से भी ज़्यादा। ठीक है, रिटर्न डेफिनेटली अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन जो इसमें रिटर्न नेगेटिव में जाना स्टार्ट हुआ है, शेयर जो अपनी ऊपरी स्तर से अच्छा खासा जो नीचे आ गया है, इसने टेंशन लोगों की ज़रूर इंक्रीज कर दी है। ये डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत वाली बात ज़रूर है। अब आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि या सिर्फ यही वजह है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उसकी वजह से गिर रहा है, यही वजह है या फिर वजह कोई और है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इसके रिलेटेड कोई ख़राब खबर हो, इस पर्टिकुलर काउंटर के रिलेटेड कोई ख़राब खबर हो जिसके चलते इसमें लगातार आपको गिरावट दिखाई दे रही है? ऐसी तो कोई बात नहीं है क्योंकि इसी का डर है, बाकी चीज़ें तो सब नॉर्मल हो जाती है। अगर बाकी गिरावट वगैरह होती है वो तो सब आपने देखा है कि नॉर्मल हो जाती है, उनसे इतनी दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इनकेस ऐसा कुछ हो गया कि इसके रिलेटेड ही कोई खबर आ गई वो भी ख़राब, तो डेफिनेटली दिक्कत देखने को मिल सकती है। लेकिन देखो अभी तक अगर हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ तो फिलहाल तक तो कोई भी दिखाई दे नहीं रही, लेकिन रतन के डेटा पर मैं आपको लेकर आऊँ NSE का डेटा, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खरीदार अभी कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिकवाल ही दिखाई दे रहे हैं। एंड अगर वॉल्यूम की भी बात करें तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा है। कितना है अच्छा खासा ये भी देख लो, लगभग आप यहाँ पर देखें तो 2,79,00,000 के आसपास मार्केट ख़त्म होने से पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम NSE पर तो हो जाएगा, ये तो आप मान के चलिए NSE पर तो ये वॉल्यूम जो है लगभग आपको 3 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि BSE पर, लेकिन दोस्तों ये तो चलो NSE की बात है मैंने आपको दिखा दिया, BSE को दिखाता हूँ फिर। BSE का भी आप देखो किस तरीके का वॉल्यूम है, तो देखो BSE पर देखो मैंने आपको दिखा दिया लगभग 50 लाख से ज़्यादा ही है, 51 लाख होने वाला है लगभग। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि वॉल्यूम तो अच्छा खासा है एंड मार्केट बंद होते होते दोनों में मिलाकर 4 करोड़ भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि BSE में तो उतना वॉल्यूम बढ़ता नहीं है, लेकिन NSE पे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है वॉल्यूम ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये समस्या आपको ज़रूर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं ना आपको चार्ट पर भी लेकर चलूँगा, वहीं इम्पोर्टेंट चीज़ भी दिखाई दे रही है कि आखिरकार क्या दिक्कत है, जो सब कुछ आपको यहीं से मालूम पड़ेगा। ये तो आपको बेसिकली मंथली चार्ट दिखाई दे रहा है, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं तब आपको यहाँ पर सिचुएशन समझ में आने की कोशिश हो सकता आ जाए। ये देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के अगर हम लेवल्स देखें तो ब्रेकआउट जिन लेवल्स पर हुआ था अब वो लेवल एक इसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, ये आप मान के चलो एक जो है इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। लेवल अगर हम देखें तो 16 रुपये के थे, कि 16 रुपये के बाद जब ये ऊपर निकला तो इसमें एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दी और शेयर जो है एग्जैक्टली 21 रुपये तक गया। ठीक है, अब एक रेंज बन गई है 16 रुपये से 21 रुपये के बीच में, आप ये मानो 16 रुपये से 21 रुपये के बीच में रेंज बन गई है। अगर
₹16 टूटा तो गिरावट के चांस बढ़ेंगे, ₹21 निकला तो और तेजी के चांस बढ़ेंगे। तो अभी तक तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास नहीं है शेयर, ठीक है, देखो जिनके पास है वो ऑलरेडी एक मोटा प्रॉफिट यहाँ पर कमा चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मोटा प्रॉफिट वो लोगों ने कमाया जो लोग इसे पहले से रख कर बैठे थे। लेकिन दिक्कत उनके साथ है जिन्होंने अभी अभी खरीद लिया है, अभी अभी फ्रेश खरीदा है, उसके साथ दिक्कत है। जैसे मेरे पास भी अगर मैं आपको बताऊँ 4500 शेयर है मेरे पास जो मैंने अभी खरीदे थे कुछ दिन पहले, लेकिन मैंने पहले से भी इसे खरीद रखा था ₹9 से शेयर, तो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अगर थोड़ा बहुत घट गया तो अलग बात है। लेकिन अब बात ये निकल कर आती है कि अभी की स्थिति तो मैंने आपको समझा दी, लेकिन जिसके पास ये शेयर है ही नहीं, मेन बात निकल कर आती है वही अभी उसे ही, मतलब उसी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसके पास शेयर ही नहीं है वो करे इंतज़ार एंड ₹21 के लेवल निकलते हैं फिर यहाँ पर खरीदारी के चांस बढ़ेंगे। ₹16 नीचे के निकलते हैं तो फिर कुछ करना ही नहीं, फिर तो भूल जाना है, एक अलर्ट लगा देना इस शेयर पर। अब ये मानो फिर एक अलर्ट लगाना है कि जब ये शेयर दोबारा से 16 ऊपर की तरफ जाते हुए क्रॉस करे तब इसमें सोचा जाए, लेकिन जब तक ₹16 के अंदर और ₹21 के अंदर रहता है तब तक इसमें कुछ भी होना या फिर बहुत बड़ी तेजी की जो उम्मीद है वो तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, जब तक ये ₹21 ऊपर में नहीं तोड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस की बात यही है कि जो लोग इसे लेकर बैठे हैं अभी भी जिसके पास है वो ₹16 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बैठा रहे, जब तक ₹16 नहीं टूटते तब तक इसमें बैठा रहे, उसके बाद अगर टूट जाता है तो फिर इसमें चाहे तो प्रॉफिट बुक करके या फिर अपना स्टॉप लॉस ले ले या प्रॉफिट जो भी करना है वो करें, लेकिन जब तक ये 16 के ऊपर चलता है तब तक मुझे लग रहा है इसमें आप बने रहो तो ही बेटर है, उससे नीचे जाएगा तब डेफिनेटली थोड़ी सी समस्या बनेगी, ये बात आप मान के चल सकते हैं। लेकिन अब अगर हम पावर शेयर्स की बात करें ओवरऑल तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, जैसे कि आने वाले दिनों में बजट भी आप देखेंगे, बजट में भी पावर कंपनीज के लिए कुछ अहम ऐलान होते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी आपको चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तब तो मेरे ख्याल से सुधार हो ही जाएगा, फिर तो इतनी दिक्कत जहाँ तक होगी नहीं, फिर तो जहाँ सुधार की उम्मीदें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो मैंने आपके लिए चीज़ें समझा दी हैं कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके के लेवल्स आपको नज़र में रखने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते रहते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।